पराशरो गाद सुतोथ राम उतप्तिंद्र प्रमदिन्म बाहु। बड़े बड़े संत पधारे, किसी दुष्ट व्यक्ति को दंड मिलता है तो लोग क्या कहते हैं, मरने दो, इसी के लायक था, बड़ा दुष्ट है, बड़ा ये है, बड़ा वो है। लेकिन किसी सज्जन के जीवन में यदि कोई तकलीफ आ जाए, हजारों लोग दुआएं दौड़ते हैं। हमने कोई भजन किया है, पाठ किया है, कोई सत्कर्म किया है, तो हमारा फल इनको मिल जाए पर ये ठीक हो जाए, लोग कहते हैं ना ऐसे। किसी व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो कई लोग अपने घरों में पाठ करते हैं, हमारे सुंदरकांड का फल इनको मिले, हनुमान चालीसा हम 108 करेंगे उसका फल इनको। अरे बड़े भले आदमी है बेचारे, सबका हित चाहते हैं, सब लोग उसको दुआएं देते हैं। परीक्षित ने आंखें खोल करके देखा तो हजारों संत उनके सामने बैठे हैं। अत्री वशिष्ठ चवन सर्वमान अरिष्ट नेमी मेधा तिथि देवर देवरात, बड़े बड़े महात्मा, सब संतों की आंखों में आंसू है। राजन, जब हमने सुना कि आपको सातवें दिन मरने का शाप लगा है, हमारा मन भजन में नहीं लगा, दौड़े दौड़े आपके पास आए, आप घबराना नहीं, हम लोग चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन किसी का प्रयास सफल नहीं हो रहा है। राजा परीक्षित बोले, एक बात मैं निवेदन कर दूं, मुझे कोई शाप नहीं लगा, बल्कि मैं तो कहूंगा मुझे बहुत बड़ा वरदान मिला है। वरदान क्या? कि यदि वो ऋषि कुमार मुझे साथ नहीं देता सातवें दिन मरने का, तो आप हजारों संत जो मुझे दर्शन देने आ गए, जीवन में यह सौभाग्य मुझे कभी नहीं मिल पाता। क्योंकि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआने, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो गावत वेद पुराण। संतों का समागम, संतों का दर्शन भगवान की कृपा के बिना नहीं होता। और भागवत में तो एक इतनी बड़ी बात लिखी है, मैं आपसे क्या बताऊं। न यम बयानि तीर्थानि न देवा मत्स्य रामया ते पुनम तुरुकालेन दर्शना देव साधव। न हम बयानी तीर्थानी नवे नदेबा मत्स्यमया ते पुनंतुर काले न दर्शनात एव साधव। तीर्थों में बास करने से फल मिलता है, पर टाइम कितना लगे ये कन्फर्म नहीं है। कितने लोग जीवन भर तीर्थ में रहते हैं फिर भी झूठ कसोर सारी गंदगी उनमें भरी रहती है। गंगा स्नान करने से भी पवित्रता बढ़ती है, लेकिन कितना टाइम लगे मालूम नहीं। देव पूजन करने से, भगवान की मूर्ति में उपासना करने से भी फल मिलता है, ते पुनंती उर कालेन ये काफी टाइम लगता है, लेकिन दर्शनात एव साधव। जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, जो सच्चे संत होते हैं, वो अपने दर्शन मात्र से जीव का कल्याण कर देते हैं। भागवत में तो लिखा है तीर्थी कुर्वंत तीर्थानी स्वांतस्थेन गदाव्रत। तीर्थ का मतलब होता है पवित्र, और पवित्र तीर्थ को भी जो परम पवित्र बनाते हैं ये संतों की कृपा है। इतने संत मुझे दर्शन देने आ गए, अरे अगर सांप तो मुझे रोज लगे तो अच्छा, मरना तो सबको है, लेकिन मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मेरे पास भी समय नहीं है, ओनली 7 days, 7 दिन बचे हैं, बस इतना बता दो जल्दी जिसको मर जाना है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण में कुछ ढिलाई दिखाई दे रही है ना, दूर बैठे वोल्ट 440 वोल्ट होना चाहिए। जरा भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
कथा में भीड़ कितनी ये महत्वपूर्ण नहीं है, माफ करना। आप यदि आस्था चैनल या संस्कार चैनल ये सब कभी देखते हो, पूरे दुनिया में आता है, भारत में हर महीने 3 भागवत कथा हम करते हैं और 5-5 साल की बुकिंग रहती है। खाली 1 महीना अमेरिका कनाडा का छोड़ देते हैं, हम 15 दिन अमेरिका 15 दिन कनाडा आते हैं। और क्योंकि अब हमारे पुत्र भागवत में बड़े यशस्वी वक्ता हो गए हैं, अभी 3 दिन पहले आस्था चैनल पर भी उनकी कथा लाइव आ रही थी, बड़े बड़े संत पधारते हैं उनकी कथा में। अभी 19 वर्ष के हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, संस्कृत और वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं, भागवत चल रही है और पूरी 7 दिन की कथा इंग्लिश में भी करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। गत वर्ष सत्यनारायण मंदिर में उन्होंने कथा की थी, 7 दिन में भागवत कथा आयोजित थी। तो वो जब करने लगे तो मैंने इसी वर्ष पति पत्नी हम दोनों बैठे थे, पत्नी ने कहा अब व्यस्तता इतनी रहती है, विदेश तुम कार्यक्रम करने जाते हो, भारत में तो 8 तो म्यूजिशियन रहते मेरे संग, 5 पंडित रहते, 2 आचार्य रहते, 2 रसोईया रहते, माइक सिस्टम सब ट्रक में जाता है, आप लोग देखे हो तो सब विशाल रूप में आयोजन होते हैं, तो इन देशों में तो मैं आप भक्तों का दर्शन करने आता हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। तो इस बार हमने संकल्प लिया, हमारी भारजा बोली अब विदेश में 10-5 दिन को जाना हो तो बेटा जाया करेगा, अब तुम विदेश यात्राएं बंद कर दो, भारत में खूब भजन करो। अब ओनली हम जो है 56 में चल रहे हैं, रनिंग 56, तो 50 वर्ष के बाद थोड़ा माला पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए और चीजों पे कम। तो संभवतः अगली वर्ष से तो विदेश यात्राएं हम बंद ही कर देंगे। लेकिन निवेदन में ये कह रहा था कि कथा में भीड़ कितनी वो महत्वपूर्ण नहीं है, भीड़ में तो हम लोग कथाएं सब करते ही हैं। भारत में 500 व्यक्ति कथा सुने, अमेरिका में 5 भी बैठकर सुने तो वो 500 के बराबर है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ 50,000 सुन रहे हैं, यहाँ 500 सुने तो बहुत। तो कथा में भीड़ कितनी वो महत्वपूर्ण नहीं है, सुनने वाले कितने हैं वो महत्वपूर्ण है। भीड़ में करते करते तो नाक तक भर गए हम लोग, लेकिन श्रोता 50 हो और श्रद्धा से सुने तो वो 50,000 हैं। पर वो कितनी श्रद्धा से सुन रहे ये पता जब चलती है जब जय श्री कृष्ण में करंट हो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप लोग बताइए 7 दिन में मरने का जिसका टाइम है उसको गोविंद से मिलने का तरीका क्या है, भगवान से मिलने का सहजतम साधन क्या है। एक ऋषि बोले मंत्र तो मेरे पास में भी है पर 21 डेज चाहिए, 21 दिन से पहले मुक्ति नहीं हो सकती। एक बोले मेरे पास में और बढ़िया करंट वाला मंत्र है पर भैया 11 डेज तो जरूर चाहिए, 11 दिन चाहिए, 7 दिन में मुक्ति। सब संत लोग विचार कर रहे हैं, उस सभा में सुखदेव के पिता वेदव्यास बैठे, सुखदेव के बाबा पराशर मुनि बैठे और सुखदेव जी महाराज के पर बाबा हैं, शक्ति मुनि तो रहे नहीं, सुखदेव के पर बाबा वशिष्ठ जी भी बैठे। देखो ब्रह्मा का बेटा वशिष्ठ, वशिष्ठ का बेटा शक्ति, शक्ति का बेटा पराशर, पराशर का बेटा वेदव्यास और उनका बेटा सुखदेव, ये उनकी परंपरा है। सुखदेव का बेटा कोई नहीं क्योंकि वो तो परमहंस है, जन्म से ही सन्यासी। सब ऋषि लोग आपस में विचार विनिमय कर रहे थे कि तत्र भवद् भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानोनपेक्ष अलक्षलिंगै निजलाभपूर्णो दत्तस्य बालै अवधूतवेश। भगवान सुखदेव जी की समाधि खुली, वो तो परमांश शिरोमणि है, उम्र ज्यादा भी रही हो तो देखने में 16 वर्ष के ही लगते हैं बस। जिसका जीवन संयमित होता है
समय पर सोना, समय पर जागना, समय पर भोजन, समय पर प्रसाद, सात्विक अन्न का सेवन करना, उनके शरीर में ऐसी तेजस्विता आ जाती है कि वो 60 वर्ष के भी होंगे तो देखने में 35 के लगेंगे। संयमित जीवन। तो सुखदेव भगवान की उम्र क्या किसी को मालूम नहीं, पर वो देखने में 16 ही वर्ष के दिखते हैं। गिदिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रणम्ब बाहुं समरुत्तमाभं श्यामं सदा पीच्य वयोंग लक्ष्म्या स्त्रीणाम आरोग्यं रुचिरस्मितेन। भगवान सुखदेव जी का मन बड़ा आराधित हुआ, बड़ा प्रमोदित हुआ, हर्षित हुआ। वो परीक्षित की सभा में आ गए और सुखदेव जी के पीछे बच्चों की भीड़ चल रही है। जो सच्चे संत होते हैं वो नाटकबाज नहीं होते। दिगंबर हैं सुखदेव, 4 अंगुल की लंगोटी पहन रखी है बस। बच्चों की भीड़ संग चल रही है, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। और जैसे ही परीक्षित की सभा में सुखदेव स्वामी पहुंचे, महाराज सुखदेव के पिता बाबा पर बाबा पर बाबा उनसे भी लंबी उम्र के ऋषि 16 वर्ष के सुखदेव को देख करके खड़े हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी मौन रहते हैं। भागवत में लिखा है ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति सत्यवादी नहीं हो सकता। जो बहुत ज्यादा बोलते हैं वो सत्यवादी नहीं हो सकते। इसलिए जो अच्छे वक्ता होते हैं वो बोलते कम हैं, कथा में बोलेंगे उसके बाद मौन हो जाते हैं। हमारे राष्ट्र में एक गृहस्थ संत है मुरारी बापू, वो 4 घंटा कथा करते हैं उसके बाद मौन हो जाते हैं और दूसरे दिन 5 बजे मौन खोलेंगे। ज्यादा बोलने वाला सत्यवादी नहीं हो सकता। हम लोग 4 घंटा कथा भारत में करते हैं तो 9 घंटे मौन रहते हैं। मौन रहने से वाणी का ओज बढ़ता है, मौन रहने से वाणी में सत्यता का प्रवेश हो जाता है। सुखदेव जी मौन रहते हैं। राजा परीक्षित ने उनको देखा, उनके चरणों में प्रणाम कर दिया। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्र बांधव कृपया तिथि रूपेण भवद विस्तीर्ण।